प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। उनको एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल मुलायम सिंह यादव की गाड़ी अब बदली जाएगी। सपा संरक्षक जिस मर्सिडीज में सवार होते थे अब वह बदल दी जाएगी। यह लग्जरी कार मर्सिडीज SUV राज्य संपत्ति विभाग से मिली हुई थी। बताया जाता है कि इस कार में तकनीकी खराबी आ गई है जिसे ठीक कराने में 26 लाख रुपए का खर्च आएगा। इतनी महंगी सर्विसिंग के होने के कारण अब यह कार मुलायम सिंह यादव से दूर हो जाएगी। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की गाड़ी की सर्विसिंग कराने का बजट ही नहीं है जिसके कारण अब उनके गाड़ी को बदल दिया जाएगा। सूत्रों बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को अब टोयोटा प्राडो कार मिल सकती है। फिलहाल सपा संरक्षक BMW कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री के अलावा 18 पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरे जाते हैं। साथ ही सरकार करीब 1000 मंत्रियों का इनकम टैक्स भी जमा करने वाली है। राज्य सरकार ने इस प्रथा पर हालांकि रोक लगा दी है। इस रोक से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी झटका लगा था। बता दें कि मुख्यमंत्रियों के आयकर को अदा करने का यह बिल मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में पास हुआ था। राज्य के जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ से सरकार को इनकम टैक्स जमा करना था उसमें मुलायम सिंह यादव के अलावा नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के नाम शामिल थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुलायम सिंह को एक और झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुलायम सिंह यादव परिवार से लोहिया ट्रस्ट बिल्डिंग छीन ली थी। राज्य संपत्ति विभाग ने 14 सितंबर को विक्रमादित्य मार्ग स्थित लोहिया ट्रस्ट का बंगला खाली करा दिया था जिसके बाद अब मुलायम सिंह की कार भी छीनी जा रही है। इस तरह मुलायम सिंह अब बेकार होने वाले हैं। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।